गुड मॉर्निंग, हो गए रेडी स्कूल के लिए? हाँ। तो पीयूष हो चुका है रेडी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल सरदा दिल्ली गए थे, तो सरदा कैसा रहा कल का आपका दिन? मस्त रहा। तो मैंने आपकी स्टोरी भी देखी थी आर्ट वाले चैनल पे। हेलो, सरदा आ गए हैं। क्या हुआ? सरदा के साथ छोड़ी थी लड़की। नहीं, मत पकड़, मत कर, मत कर, तेरे ब्लेजर में इसके बाल लगेंगे। तू उधर ही बैठ। खाना खा लिया? नहीं। ओली उठ गई लड़की, उठ गई लड़की ओली। देख लो, जब तक मैं बेड से नहीं उठूंगा तब तक ये भी नहीं उठेगा। तो आज का आप लोग एक बहुत ही बढ़िया शानदार गुड न्यूज के साथ में स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे बताई है कि हमारे आज से लास्ट 100 ब्लॉग्स पे 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब हर किसी ब्लॉग पे, 100 के 100 ब्लॉग्स पे। मैं चेक कर रहा था, मैंने चेक किया, मैं फिर भी मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी बिलीव ही नहीं कर सकता यार। मतलब गाइस, बहुत बड़ी बात होती है कि डेली व्लॉग बनाना 100 डेज तक और सब पे 1 मिलियन प्लस व्यूज जाना। तो इंडिया पे सेकंड नंबर पे हम ऐसे ब्लॉगर हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। फर्स्ट नंबर पे फ्लाइंग बीच सर हैं, सेकंड नंबर पे हम। आई एम नॉट कंपेयरिंग गाइस, बट हाँ अचीवमेंट है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हाँ, मुझे इस पे एक बात और बोलनी थी, जो लोग मुझे कंपेयर करते हैं दूसरे ब्लॉगर से या फिर दूसरे यूट्यूबर से कि तुम उनसे अच्छे हो, वो तुमसे अच्छे हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ गए, ये वो, ये सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो हेट फैलाते हैं। मैं कभी भी अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं मानता कि मैं ऊपर चला गया, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मैं बड़ा हो गया। मैंने जिनसे सीखा है, उनके 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर थे, मैं उनसे सीखा, उस टाइम मेरे बिल्कुल भी नहीं थे। मैं स्टिल उनकी वीडियो देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ। सब्सक्राइबर ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो मैं स्टिल सभी ब्लॉगर्स की, सभी यूट्यूबर्स की वीडियो देखता हूँ जिनसे मैंने इंस्पायर हुआ हूँ। किसी दिन वीडियो बताऊँ कौन कौन ब्लॉगर्स हैं, कौन कौन यूट्यूबर्स हैं वो। तो प्लीज़ गाइस, फालतू की हेट मत फैलाया करो, नंबर्स ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है। तो ये बात अभी पूरी फैमिली को बताऊँगा, पीयूष आएगा स्कूल से, उनको बताऊँगा, सबका रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है। तो इसी बात पे आज नहा लिया जाए। नहाने से पहले मैं यूज़ करूँगा वाव का स्किन साइंस आंवला हेयर ऑयल, जो कि ये वाला है, जो कि नॉन स्टिकी एंड नॉन क्रेजी है, काफ़ी बढ़िया हमारे हेयर के लिए। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे स्कैल्प्स के लिए और रूट्स के लिए काफ़ी बढ़िया होते हैं। एंड ये हमारे डैमेज हेयर को भी प्रोटेक्ट करता है एंड हमारे हेयर बिल्कुल शाइनी एंड हेल्दी रहते हैं। और इसमें आंवला एक्सट्रैक्ट हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं और सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं स्कैल्प के। बाकी इसमें और भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे हेयर के लिए काफ़ी बढ़िया होते हैं, आमंड ऑयल, लेमन ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो मेरे हेयर तो काफ़ी लंबे हैं तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा लेना पड़ता है। अच्छे से उंगलियों से जड़ों तक चला जाएगा ऐसे। इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, मेरे को तो बहुत सारा लेना पड़ता है। उंगलियों से अच्छे से मसाज कर लेते हैं। तो बस अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा, उसके बाद शैम्पू से वॉश कर लूंगा। तो अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तब तक मैं अपना रूम साफ कर लेता हूं, बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा सारा सामान। तो अभी दिन के बज रहे हैं 2, पीयूष भी आ चुका है, साहिल भी आ चुका है, सभी अभी लंच कर रहे हैं, मैंने तो कर लिया था। तो एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी आप सबके साथ में। मम्मी जी, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। क्या क्या गुड न्यूज़ है? क्या हो सकती है? मेरे को पता क्या हो सकती है। क्या? कार आ गई? नहीं, क्या हो सकती है बता? पता नहीं, माइक आ गया है। माइक तो कल ले ही आया मैं। तू क्या, मम्मी जी देख लो इसको, पहले समझाओ, कपड़े चेंज देख, वाइट है वो, थोड़ा सा भी गिर गया खराब हो जाएगी। क्या कहूँगा यार, मैंने उसको रोज ही कह रहा है कपड़े बदला, आते पहले कपड़े बदला कर फिर खाया कर, जो करना है करा कर। इसी ब्लॉग में मिलियन तो नहीं हो गया कोई? हाँ, टोटल व्यूज हो गए मिलियन, वो बिलियन क्या था, 100 मिलियन? नहीं भाई, टी शर्ट में तो पूरे कपड़े चेंज करके फिर खाया कर। ठीक है, मैं इसको समझा दूँ, बोल दो इसको एक बार। मैं रोज समझाती हूँ, बाद मैंने शुरू मम्मी ये बात बोल दो कि आते पहले कपड़े चेंज करने हैं, सीधी सी बात। गुड न्यूज़ बताओ ना आप। गुड न्यूज तो गाइस बता दी जाए ना, तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे लास्ट 100 व्लॉग्स पे हर व्लॉग पे मिलियन व्यू हैं। मतलब हम इंडिया के सेकंड ब्लॉगर हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है, तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। आप लोगों को भी हो रहा होगा, और भी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें आप लोगों का सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, पूरी फैमिली का, सबका सपोर्ट है, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। मेरे अकेले की वजह से कुछ भी नहीं हो पाता। तो पीयूष जी, वैसे कैसा लग रहा है इतनी बड़ी अचीवमेंट? कभी सोचा था कि व्लॉगिंग में भी हम आगे जा सकते हैं? स्टार्टिंग में हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम व्लॉगिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं। पता नहीं आप लोगों को कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, पीयूष पसंद आ रहा है, मेरी फैमिली पसंद आ रही है, सब पसंद आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहेंगे, और तक सेलिब्रेट तो रोज ही करते रहते, रोज कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो आज सेलिब्रेट वगैरह नहीं करेंगे हम, बस थैंक यू कहना था आप सबको, कह दिया है, थैंक यू। अभी प्लान है हमारा हिसार जाने का, बिकॉज मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आई है एक, मैं आपको बताऊंगा क्या है। और मेरे को कुछ सामान भी लेना है, कैनवस वगैरह लेने हैं पेंटिंग बनाने के लिए, मैं कैनवस पे काम करेंगे ना। तो हिसार चलते हैं अभी, सोनू भी जाएंगे, बाकी हम जाएंगे 2 बाइक पे, तो चलो। तो इसकी स्क्रीन में देखो पैच आया हुआ है, यहाँ पे देखो ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीन में है। ये लैपटॉप मैंने लिया था 70,000 रुपये का,
और एक महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी है लैपटॉप लेके, बिकॉज इसमें एडिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग अच्छे से फास्ट चलता है, बट एडिटिंग के लिए तो एप्पल मैकबुक प्रो ही सही रहता है। मैकबुक एयर भी अच्छा रहता है, फाइनल कट प्रो चल जाता है ना उनमें फाइनल कट, तो एडिटिंग के लिए एप्पल का ही बेस्ट है। पर्पज के हिसाब से लेना चाहिए, मुझे नॉलेज नहीं थी। तो अगर आपको भी लेना है ना, एडिटिंग के लिए लेना है, तो मैं आपको मैकबुक एयर या फिर मैकबुक प्रो ही सजेस्ट करूंगा। गेमिंग नहीं होती उसमें, गेमिंग इसमें सही होती है। चलो अब चलते हैं, रेडी हो गया क्या? यस मैम, होपफुली बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प आवाज आ रही होगी नए माइक से। मम्मी जी इसको पकड़ लो यार, भाई तेज नहीं चलना, आराम से चलना है, आराम से 40-50 की स्पीड पे। हेलमेट डाल, मुझे ना हेलमेट भी चेंज करना है, बिकॉज इसके अंदर इतनी तगड़ी वाली हवा जा रही है ना, पता नहीं किस कोने से जा रही है, तो मुझे ऐसा हेलमेट लेना है जिसके अंदर हवा ना जाए, पूरी ठंडी हवा जा रही है फिलहाल तो। भाई साहिलदा नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ गए, वो घर से निकले थे उसके बाद तो मुझे दिखे ही नहीं कहाँ गए। अब क्या करें, फ़ोन करना पड़ेगा क्या? फ़ोन ही नहीं मिल रहा यार, अब क्या हो रहा है ये? मैंने बोला था जाते हुए कि आराम से चलना, साथ चलेंगे, वो पता नहीं आगे निकल गए। टेंशन हो रही यार, तो दोनों में से किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा। अरे ये रे, पीछे थे तुम, कहाँ गए थे हेलमेट लेने? अच्छा फ़ोन भी नहीं मिल रहा तुम्हारा, फ़ोन करे जा रहा था मैं, क्या पता नहीं कहाँ रह गए, क्या हो गया। चलो कोई नहीं, चलो अब आराम से चलना। तो गए अभी साहिल और सोनू भैया फिर से खो चुके हैं, फ्लाईओवर था यहाँ पे, फ्लाईओवर के पास तो बिल्कुल पास में थे पीयूसी, वो दूर नहीं थे यार अपने को, काफ़ी टाइम हो गया वेट करते हुए। फिर ऐसे कैसे हो सकता है यार, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, क्या कर क्या रहे हो आप, क्या हुआ? ओहो भाई साहब, ओए ओए ये भी गई तो उधर। अरे खींचो खींचो, ये एकदम से उधर की साइड क्यों आया तू, हुआ क्या? आगे से जेसीबी आ गई तुम, मैंने कहा जेसीबी में इसकी पैर में कुछ हो रहा है। कुछ नहीं होता, हाँ यार उधर को जा रहा है ये, नहीं उतर जाऊं। अब क्या करना है, कहाँ चलना है, हॉस्पिटल चलना है? ना ना। अब काम थोड़ा ना, पागल लग गई तेरे को, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा बढ़िया। हाँ हाँ ले लो, हेलमेट उतारू क्या? हाँ अब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा यार, वापिस चलो। अरे मेरे को अजीब सा हो रहा है यार, अभी बहुत आगे जाना है यार। तो अभी हम तो पहुंच चुके हैं एप्पल स्टोर, बट वो आगे चले गए थे। ये न्यू वाले हैं क्या? मैकबुक प्रो, प्रो भी आ गया, मैकबुक प्रो भी एमएम में, मैकबुक एयर भी एमएम में, 16 GB 512 GB के अंदर तो है आपका 199900। तो लैपटॉप अपन ने देख लिया, फाइनल भी कर लिया है, अब लेके जाएंगे, एकदम सरप्राइज मिलेगा गाइस आपको कि हमने ले लिया है मैकबुक। फिलहाल बाइक सोनू भैया चला रहे हैं, अच्छा उनको बाइक चलानी आती है, तो फिर बाइक कौन लेके जाता है यार। हेलमेट तो उतार ले, मस्त लग रहा है यार। तो अभी अपना काम हो रहा है लैपटॉप का। तेरे को कौन सा पसंद आया? क्या लैपटॉप? तो यही तो चला लियो ना, ये तेरा हो जाएगा। दोनों लैपटॉप का काम हो गया, मैकबुक का भी लेनोवो का भी, तेरे से नहीं होगी? कर कर, हाँ कर 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 कर। ओहो 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 ओहो, बस 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 बस, स्कूटी गिरा दी। मेरे को पेंटिंग का सामान लेना था जो कि नहीं ले रहे, बिकॉज अंधेरा होने वाला है। फिलहाल जल्दी घर पहुंचते हैं, जल्दी नहीं आराम से। सरदा आगे हैं ओली, सरदा आगे हैं ओली, लाली लग रही है लड़की लाली। हेलमेट नहीं लाया? अरे मेरा नहीं, सोनू भैया वाला, जो सोनू भैया ने डाला था, दे ले क्या? तो साहिल जोशी जी बता चुके हैं, हेलमेट कहाँ है? वो तो ठीक है, हेलमेट तो ले आओ, कहाँ है, मैं कहाँ रखा तूने? पकड़ो तो सही, कैसा है हेलमेट? ठीक तो है, क्या हो रहा है इसको? बता तू। चालान कटा? नहीं नहीं। बता दूं, मेरे से छुपा रहे हो कोई बात? छुपा रहे तभी डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छुपा लो छुपा लो छुपा लो, कोई बात नहीं। बड़ी मेरी बहुत अत्याचार करेगी। या तो तुम्हारा हेलमेट कोई ले गया।
हाँ हम एक जगह पे गए थे, वहाँ पे हेलमेट रखने थे तो हमारा कोई उठा के ले गया, हम भी किसी का उठा के लाए है ना। क्या भांडा फोड़ दिया जाए? नहीं अभी नहीं। ओ सोनू सोनू बताएगा, तुम मत बताना, वो बताएगा। मेरे गए थे आज से, मेरे भी समझ नहीं आ रहा। सोनू क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? घूमर। तो मैंने मम्मी जी को बता दिया है कि आज हमारी बाइक ठुक गई थी, हमारी नहीं साइड वाली, और बच के कुछ नहीं हुआ। कोई जेसीबी थी, जेसीबी उस पे देख ले, जेसीबी भाई ऊपर ही होता है ये काम। बिल्कुल ठीक है, देखो ठीक ना, छोड़ तू। मैं इसको क्या कहती हूँ तुम्हारे को कि बाइक लेके मत जाया करो, कहती हो ना, कहती हो आशी जाके दिखाना तुम्हारा। मेरी बात सुनो, फालतू ना बोल। बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होता है, कभी होगा। तो हमने मम्मी जी को भी बता दिया है, आगे से हम बिल्कुल सेफली और सेफली जाएंगे। जैसे कि आपने देखा हम चारों ने हेलमेट डाल रखा था, और दोनों को हेलमेट डालने का बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जैसे कि सोनू भैया ने बताया कि उनको हेलमेट डालने का कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनका सीधा सर लगा नीचे और सर हेलमेट था तो बच गया, और साहिल का भी। तो अभी एडिटिंग चालू है, आधी हो चुकी है एंड एक बज चुके हैं, और मेरे को भूख लग रही है तगड़ी भाई। खाना यहीं पड़ा है, मम्मी जी ले आई थी ऊपर ही, नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या है। एंड हमारा ओरियो भी उठ चुका है। ओली क्या हुआ? तो यहाँ पे सब्जी एंड रोटी ही है ओनली। तो खाना खा लिया है, एडिटिंग भी हो चुकी है। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा कुछ आज, तो मतलब बच गए हम, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। मेन तो हेलमेट की वजह से, मतलब हेलमेट नहीं होता ना फिर बहुत कुछ हो सकता था। तो हेलमेट बहुत जरूरी है गाइस, सेफली राइड करो, आप भी हम भी करेंगे। गलतियाँ तो होती रहती हैं, किसी ना किसी गलती होती है तभी होता है, अदरवाइज सब भी वो सही चलता रहेगा फिर तो होगा भी नहीं। एनीवेज ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। Thank you so much for watching. Bye. बच्चा पीछे देख रहा है, बच्चा मेरी बाइक के बारे में बोल रहा है, वो भी पीछे देख रहा है, दोनों के दोनों। अबे आगे देख के चल लो, अरे आगे देख के चल लो यार।